ये बहुत सही किया है, ये बहुत सही काम किया है। मैं एक ही बात बोलूंगा कि देश बदल रहा है, देश जाग रहा है। ये हमारे भ्रष्ट नेताओं को समझना होगा कि ये नया हिंदुस्तान है। एक चीज तो बिल्कुल साफ है कि जब से सरकार आई है तब से एक जो जड़ बन चुकी थी व्यवस्था, जो बिल्कुल जाम हो चुकी थी, जो ब्यूरोक्रेसी और जो ये अफसरशाही थी, इसको इन्होंने स्पीड अप करने की कोशिश की है। तो इस क्रम में जो बहुत सारे अफसरों को ऐसा लगता था ना कि एक बार सरकारी नौकरी पा जाए तो इसका मतलब बाप का घर है, राजा हो गए हैं, तो अब हम कुछ कह रहे हैं कि कोई निलंबित नहीं कर सकता हमको। ये सरकारी कर्मचारियों को ये एहसास कराना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप गलत करेंगे तो जाएंगे। मोदी सरकार ने नियम 56 का इस्तेमाल करते हुए जितने भी भ्रष्ट अधिकारी थे, इनकम टैक्स के बड़े अधिकारी थे, उनको जबरन जो है रिटायरमेंट दे दिया है, जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप। बहुत सही किया है, इतिहास में पहली बार बहुत सही किया है, ये बहुत सही काम किया है। अगर आप पे है, लेकिन इसको बिल्कुल सही भी नहीं कहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे क्या होगा कि आपको सिर्फ एक सेक्टर में नहीं होगा, ये जब आप ये रूल ला रहे हैं तो ये हर सेक्टर के लिए ले आइए। इसमें थोड़ा ठीक है, कोई इंसान जब कुछ अच्छा करता है तो कुछ गलतियां भी होती हैं, तो हमें इन चीज़ों को थोड़ा सा दरकिनार करना होगा। एज अ यूथ हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। नियम 56 में यही है कि जो अधिकारी अकर्मण्य हो, जिसपे भ्रष्टाचार के आरोप हो, हाँ तो उसे तो हटाइए, उसे तो बिल्कुल हटाइए, वो नियम 56 इसके अंदर। लेकिन पहली बार हुआ है कि जो बहुत बड़ा 12 अधिकारियों को जो है उन्होंने जो है यहाँ से निलंबित कर दिया है, और निलंबित कर और जल्दी ये उनको रिटायरमेंट दे दिया। तो क्या होना चाहिए आपका? भ्रष्टाचार एक ऐसा वर्ड है ना जो हमारे देश को सर खोखला कर रहा है, हर जगह सर भ्रष्टाचार भरा हुआ है। अगर भ्रष्टाचार सर जड़ से खत्म करना है तो सबसे पहले सर जितने भी अधिकारी है उन पे ये रूल एंड रेगुलेशन अप्लाई करवाना पड़ेगा, क्योंकि सर जो मोस्टली जो बड़े बड़े भ्रष्टाचार होते हैं ना सर, वो बड़े बड़े अधिकारी ही करते हैं। तो अगर सर उस लेवल पर सर अगर लगाम लगाया जाए तो वाकई में हम लोग के सर बहुत बेनिफिशियल हो सकती है ये चीज़ें। भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं सर आप देश को खोखला कर रहे हो ना सर, ये चीज़ सही नहीं है। अगर ये चीज़ रूल एंड आया है तो मैं इससे बहुत खुश हूँ। ये हर जगह आना चाहिए, हर सेक्टर में ये चीज़ें लागू होनी चाहिए। ये नियम कारगर होगा, धीरे धीरे देश बदलाव को समझ रहा है, ये कारगर होगा। हम नोटबंदी से लेके और शराबबंदी तक देश के साथ खड़े हैं, तो होगा सब बदल। ऑब्वियसली टोटली एग्री है, होना भी चाहिए और हो भी रहा है। हमारे सर देश में है ना बहुत सी चीज़ें बदल रही है। नोटबंदी जो आई थी हम लोगों ने देखा ही सर, नोटबंदी आई हम लोगों ने फेस करा सर, और सर जो क्या रिजल्ट आया हम लोगों ने सर उसे फेस करा। और जीएसटी जब आई थी हमारे इंडिया में तो बहुत सारे जो अपोजिशन है वो सर सपोर्ट नहीं कर रहे थे, जीएसटी सही नहीं है। बट आज के डेट में क्या लेकिन देश ने जवाब दिया। जीएसटी के कारण सर हमारे देश की इकोनॉमी सर बढ़ चुकी है सर। तो अब ऐसी बात है सर, जब ये रूल आती है हमारे देश में तो काफी सर अच्छी होगी, हम लोगों की लक्ष्य सर सभी की लक्ष्य। मैं एक ही बात बोलूंगा कि देश बदल रहा है, देश जाग रहा है। ये हमारे भ्रष्ट नेताओं को समझना होगा कि ये नया हिंदुस्तान है। प्रधानमंत्री, जय हिंद, जय भारत, जय श्री। क्या नाम है? शुभम तिवारी। क्या लगता है आप, नियम 56 को जो केंद्र सरकार मोदी सरकार ने जो है पहली बार इतिहास में पहली बार 12 अधिकारियों को जो है एक्शन हुआ है, जो जिन पे जो है भ्रष्टाचार के आरोप थे, किसमें करप्शन के थे, कुछ बेविचार के थे, उनको जो है जबरन जो है रिटायरमेंट दे दिया गया है, तो क्या लगता है ये कदम आपको कैसा लगता है? एक चीज़ तो बिल्कुल साफ है कि जब से सरकार आई है तब से एक जो जड़ बन चुकी थी व्यवस्था, जो बिल्कुल जाम हो चुकी थी, जो ब्यूरोक्रेसी और जो ये अफसरशाही थी, इसको इन्होंने स्पीड अप करने की कोशिश की है। तो इस क्रम में जो बहुत सारे अफसरों को ऐसा लगता था ना कि एक बार सरकारी नौकरी पा जाए तो इसका मतलब बाप का घर है, राजा हो गए हैं, तो अब हम कुछ कह रहे हैं कि कोई निलंबित नहीं कर सकता हमको। ये सरकारी कर्मचारियों को ये एहसास कराना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप गलत करेंगे तो जाएंगे, ठीक है? तो ये बहुत स्वागत योग्य कदम है, लेकिन इसके पीछे एक दूसरा रीज़न भी हो सकता है जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो उसके चांसेस कम है। एक पॉलिटिकल विंडिकेशन भी हो सकता है, क्योंकि आप देखते हैं कि जो जितने भी ये अधिकारियों की लॉबी है ना, वो किसी न किसी पक्ष में, किसी पॉलिटिकल इंक्लाइनेशन है उनका। तो एक ये भी हो सकता है कि चूंकि मोदी गवर्नमेंट का एक इस मामले में बहुत कुख्यात है कि जो विरोधी दल हैं, विरोधी जो लोग हैं, उनको साइडलाइन कर रहे हैं। तो दूसरी चीज़ होती है कि जो अधिकारी जो दूसरे कांग्रेस के या कह लीजिए वामपंथी विचारधारा के हैं, तो हो सकता है कि उनको इस नाम पे उनको हटाया जा रहा हो। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है, हम कम से कम इतना विश्वास करते हैं मोदी सरकार पे,
कि ये जो ना एक बहुत ही स्वच्छ मनसा के साथ किया गया कदम है और ये ब्यूरोक्रेसी को ना स्पीड अप करेगा, तो मैं इसको स्वागत करता हूँ, अच्छा कदम है। सरकारी कर्मचारी को जो अतिलिप्त होना ही नहीं चाहिए पॉलिटिक्स में, अगर होता तो इसका मतलब है जो करप्शन है, क्योंकि पार्टियाँ आती हैं और एक अधिकारी के माध्यम से ही जो है एक मिनिस्टर तक जो है वो भ्रष्टाचार लिप्त होता। तो आप नहीं चाहते हैं कि जैसे कि मैं जो सरकारी कर्मचारी है, सरकारी अधिकारी है, वो तो पब्लिक सर्विस हो, उसको तो सर्वेंट है और उसको किसी राजनीति से जो है लिप्त नहीं होना चाहिए। तो उसमें मतलब उसकी बाकायदा CR लिखी होती है, उस CR के माध्यम से जो है एक्शन होता है, तो रिकॉर्ड जो होता है CR के माध्यम से, उसके बाद अगर एक्शन प्रधानमंत्री जी ने लिया है और बहुत बड़ा कदम है, ये पहली बार हुआ है जो 12 अधिकारियों को जो है एक रिटायरमेंट दे दिया गया, तो उसका आप क्या स्वागत करें? नहीं बिल्कुल, मैं उसका स्वागत करता हूँ, अच्छा कदम है। वही तो मैंने आपसे कहा कि ये एक अच्छा कदम है और ये मुझे लगता है कि मैं कम से कम ये उम्मीद करता हूँ कि स्वच्छ मनसा के साथ लिया गया कदम है और ये ब्यूरोक्रेसी को स्पीड अप करेगा। ये जो एक मानसिकता है लोगों की कि हम अगर सरकारी नौकरी पा गए हैं तो ये पिताजी का मतलब राजा हो गए हैं, जवाबदेही होना चाहिए। हाँ, जवाबदेही ट्रांसपेरेंसी को ये लगातार बढ़ाएगा और सरकारी कर्मचारियों के मन भी कहीं ना कहीं आएगा कि करप्शन से दूर रहना है, अपने स्वच्छ को दागदार नहीं बनाना है, ताकि जो हमारा करियर जो हमने चुना है वो हमारा स्वच्छ रहे और एक अच्छे नागरिक की तरह हम जी सकें। तो ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। आक्रमणीयता भी है कि कुछ लोग जैसे आपने बताया कि सरकारी नौकरी लगी है तो अब हमें कोई पूछने वाला नहीं कि एक बार अगर आपको नौकरी मिल गई ना, आज भी ये परसेप्शन है कि अगर एक बार नौकरी मिल गई तो लोग ओपनली बहुत सारे अधिकारी हमसे आपसे कहते हैं कि मुझे सरकारी नौकरी, आप कुछ भी कर लीजिए, नौकरी नहीं ले पाएंगे मेरा। ये जो मनसा है ये निकलनी चाहिए। हाँ, अब जो काम करने वाला बंदा होता है वो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो उसको जो है और ज़्यादा सीनियरिटी के हिसाब से वो जो आक्रमण होगा बिल्कुल। तो इस कदम से क्या लगता है आपको कि इससे जो है जो छटनी होगी उसमें नए पद भरे जाएंगे और जो एनर्जेटिक जो अधिकारी है उनको मौका मिलेगा? बिल्कुल सही बात है। इससे जो लोग हैं जो थोड़ा सा मतलब आप कह लीजिए कि ढीले पड़ गए हैं या उनको लगता है कि ठीक है अब तो ऐसे ही चलेगा, ब्यूरोक्रेसी की एक बहुत बड़ी जो कमी रही है शुरू से कि जो चलता है उस चलने दो टाइप का, ये सरकार इसको रिमूव करने की कोशिश कर रही है कि जो चलता है वही नहीं चलेगा, आप नए आइडियाज़ को लाइए, एनर्जी को लाइए, उसको लाइए और एक नए पॉलिसीज़ को जो है उसको दिखाइए, लोगों के लिए काम करना है, ये सरकार लगातार ला रही है। तो एक बढ़िया कदम है जो बाकी नए लोग आएंगे, जो बहुत सारे जो एनर्जेटिक लोग हैं, नई सोच, नई विचारधारा के साथ, नई एनर्जी के साथ लाएंगे, तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली गवर्नमेंट को जो है हमारी पॉलिसी मेकिंग में और सारी चीज़ों में झलकेगा। क्योंकि ये छटनी भले ही 14 हुई है, ये एक सिग्नल है, ये ऐसा नहीं कि लगातार चलेगा। मुझे लगता है कि ये एक बड़ा सिग्नल है, ये मैसेज देने की कोशिश है जो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप ये मत समझिए कि आप सरकारी नौकरी में तो हट नहीं सकते हैं। और अगर एक सरकारी सर्वेंट को उसको अकर्मण्यता के तहत, करप्शन के तहत निकाला जाता है तो उसका पूरा मतलब जो करियर है वो दागदार हो जाता है। ठीक वैसे ही कि जैसे सेना के अधिकारी को करप्शन में या फिर कोर्ट मार्शल हो जाए तो उनका दागदार हो जाता है, ठीक वैसे ही है। तो ये मुझे लगता है कि संदेश देने की ज़्यादा कोशिश है, रोजगार सृजन को इससे जोड़ के बहुत नहीं देखना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मैंने आपसे वही पहले कहा कि जो मानसिकता है ना कि हम सरकारी नौकरी में आ गए तो हमें कोई हटा नहीं सकता है, ये भय बनेगा कि अगर हम करप्शन करेंगे, अगर हम अकर्मण्य रहेंगे, अगर हमारा परफॉर्मेंस सही नहीं रहेगा तो गवर्नमेंट हमें निकाल सकती है। ठीक अगर इसी तरीके को आप दूसरा देखिए कि गवर्नमेंट, में कह रहा हूँ, नए आइडियाज़ ला रही है। आप देखिए जो अभी एक ISPC अधिकारियों की जो नियुक्ति है, कॉरपोरेट से जो लाने का एक नियम इन लोगों ने बनाया है कि कॉरपोरेट से लोगों को लाएंगे, जो कॉरपोरेट बहुत अच्छा करेंगे, उनके पास इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, उनको लाएंगे। तो ये सारी चीज़ों मतलब इंटरलिंक्ड हैं और ये उसी एक बड़ी कोशिश का हिस्सा है कि सरकारी मशीनरी को जो है उसमें तेल डाला जाए, उसको स्मूथ बनाया जाए, उसमें नए लोग आए, उसमें एनर्जी आए, उसमें इनोवेशन आए, ताकि देश के लिए जो जैसे प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं और लोग काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर के लोग काम कर, हम आप काम कर रहे हैं, वैसे ये अधिकारी भी उस हिसाब से काम करें। वो नो डाउट उनके पास ज़्यादा योग्यता है, उनके पास ब्रेन ज़्यादा है, लेकिन एक जो मशीनरी है कि इसको ऐसे ही चलेगा, ये तो ऐसे ही होता ही है, ये तो हम सरकारी सर्वेंट हैं, इनोवेशन गायब हो गया है, फाइलें बढ़ती ही नहीं हैं, तो उस पर नोट पे नोट लिखे जा रहे हैं, वो हटना चाहिए, ये जो हिंड्रेंसेस हैं ये हटना चाहिए, ये एक अच्छा कदम है। तो ये पॉलिटिकल वायलेंस जो है ना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये लेफ्ट की आइडियोलॉजी से निकला हुआ है। जैसे केरल में जो कॉन्फ्लिक्ट है RSS के बीच में और लेफ्ट के बीच में, कहीं ना कहीं वही कॉन्फ्लिक्ट जो है ना वो मतलब एक आप कह लीजिए कि मतलब उसी का एक प्रतिरूप बंगाल में दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी जब आई तो लेफ्ट वहाँ पर शासन में था, जो लेफ्ट जो कहता है उसकी आइडियोलॉजी कहती है कि सत्ता जो है बंदूक के नली से निकलती है,
उन लोगों का वहाँ पर शासन था, वो लोग वायलेंस में, उनका तो ट्रेडमार्क है वायलेंस, वो तो पॉलिटिकल जो सत्ता है उसी से गेन करते हैं। चूँकि जब टीएमसी को उनको काटना था, उसको हटाना था, तो टीएमसी ने वायलेंस को काटने के लिए वायलेंस का ही यूज़ किया गांधी के देश में। मतलब कहीं ना कहीं आप समझिए कि हास्यास्पद है, और कहीं ना कहीं गांधी का जो आइडियोलॉजी है वो कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नज़र आया। वो थोड़ा जल्दी होगी लेकिन मतलब फर्स्ट हाफ साइड देखे तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं वो फेल होता हुआ नज़र आया वहाँ। तो उन्होंने वायलेंस को वायलेंस से काटा। अब समस्या ये है कि जब माया, जब अब लगता है कि बीजेपी इतना डीप इन रोड्स बना रही है बंगाल में, इतने सीटी अब के बाद उसने जीत ली हैं, इतने काउंसलर्स और क्या क्या उन्होंने सब अपनी पार्टी में मिला लिए हैं, तो अब ममता बनर्जी को तो एक तो लगता है कहीं ना कहीं कि हम भी अपनी जो सत्ता है वो खोने वाले हैं। बीजेपी इतनी एग्रेसिवली पूरे देश में बढ़ रही है, हम सत्ता खोएंगे, उनको ये लगता है। अब वो उनकी वही जो वायलेंस से उन्होंने अपनी सत्ता छीनी थी, वायलेंस उनके बहुत सारे लेफ्ट के भी कार्यकर्ता उसमें उनमें अब टीएमसी में आ गए हैं, क्योंकि जो पावर में होता है ना वो सब आते हैं। जैसे अभी आप देखिए कि बहुत सारे लेफ्ट के लोग, लेफ्ट की और आरएसएस की आइडियोलॉजी बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन भी बहुत सारे लेफ्ट के एमएलए जो बहुत सारे कार्यकर्ता बीजेपी में आ रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग उधर गए हैं जो मार करते थे, जो वायलेंस में शामिल थे, वो अभी भी कर रहे हैं, वो तो चलेगा। आप ऐसे देख लीजिए आंध्रा में टीडीपी अभी सत्ता से बाहर हुई है, टीडीपी और वाईएसआरपी के लोग वहाँ पर लड़ रहे हैं। तो ये तो जब जहाँ भी सत्ता का परिवर्तन होता है तो वो एक जो गुरूर है सत्ता का, वो कॉन्फ्लिक्ट तो है, तो वो तो रहेगा। अब उस सवाल ये है कि आप उसको सिविल सोसाइटी के लोग, पॉलिटिकल जो जो अपर लेवल बैठे हुए लोग हों, वो कैसे ममता बनर्जी माया और मोदी अपने पर्सनल लेवल पे कैसे उसको सॉल्व करके और कैसे इसको ईज कर सकते हैं कि वायलेंस ना हो, क्योंकि इन्हों के लोगों के बीच में इतना टेंशन है कि ऑब्वियसली वो संदेश कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पे जो कार्यकर्ता आपका है वहाँ जाता है। कर्तव्य इन लोगों का है कि ये अपने लेवल पे थोड़ा इंटरेक्शन बढ़ाएं, कि पॉलिटिकल, जैसे अभी योगी जी जाके मिले कल मुलायम सिंह से, बहुत स्वागत ही कदम था कि लोगों को ये पॉलिटिकल अपना जो डिबेट है अपनी आइडियोलॉजी वो अलग जगह पे है, लेकिन पर्सनल लेवल पे कभी भी इतनी खटास नहीं आनी चाहिए, इतना वैमनस्य नहीं होना चाहिए। तो है ये हार जीत लगा रहता है, उसको स्वीकार कर लेने, ये इन बड़े नेताओं का काम है कि यहाँ साथ में बैठें और ये इंश्योर करें कि पॉलिटिकल वायलेंस में, सत्ता के खेल में निर्दोष लोग ना मारे जाएं। लेकिन ममता बनर्जी का सवाल ये है कि बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग उनकी बातें और उनके कर्म जो है ना, उनके जो कर रही हैं वो बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग हैं। वो डेमोक्रेसी की बताने की बात करती हैं लेकिन अपने हार नहीं पचा पा रही हैं, वो वायलेंस के तरीके से वो सत्ता चाहती हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जो ममता, जो बंगाल की जनता है, कहीं ना कहीं इस बात को समझ गई है कि कितने भी श्रूड पॉलिटिशियंस हो मोदी और शाह, लेकिन कम से कम वायलेंस और इन चीज़ों से थोड़ा रिस्पाइट लोग चाहते हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं फेलर है और इसीलिए शायद लोग प्रेफर नहीं कर रहे हैं ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी जो एक जमीन से, जैसे मिट्टी की लाल कहते हैं जो कहावत है, वहाँ से निकली हुई नेता हैं, जो टाटा आंदोलन, जो किसानों मतलब मजदूरों के आंदोलन से निकली हुई नेता हैं, और आज क्या कारण है कि वहाँ बंगाल की जो आम जनता है उनको रिजेक्ट कर रही है, उसका रीज़न यही है। क्योंकि आप ना, जैसा प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना कि अब जो इस देश में अब निगेटिविटी की पॉलिटिक्स नहीं चल पाएगी, आपको एक अल्टरनेटिव देना होगा, आपको एक पॉजिटिव एक अल्टरनेटिव देना होगा। आप केवल ये नहीं कह सकते कि वो फलाने कर रहे हैं फलाने कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं आपको बताना होगा। तो आप तो दिख नहीं रहे आपके काम में, वो दिखाना चाहिए कहीं ना कहीं, और हार को तो स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जनता का फाइनल मैंडेट है, वो जनता के की कोर्ट का आदेश है, आपको मानना पड़ेगा, उसके मानने के बिना कोई जा भी नहीं पाएंगे। पश्चिम बंगाल में जो राजनीतिक हिंसा, ये मेरा ये मानना है कि इसमें वहाँ की जो लोकल पार्टी है ना उसका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, वो नहीं चाहते कि कोई दूसरा जो है जो अच्छा काम कर रहा है वो कम अप हो आगे आए। तो मैं तो राष्ट्रपति शासन की मांग करूँगा, इसके बिना वो लोग सुधरने वाले नहीं है। टीएमसी एक पूरा गुंडों की पार्टी हो चुकी है और ममता दीदी के अंदर थोड़ा सा एक तानाशाही वाला चीज़ आ गया है, इनको भी रोकना है और देश को बचाने के कदम में पहले पश्चिम बंगाल को बचाना है, फिर देश बचेगा, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़े होते जाएंगे देश के अगर यही हालत रहा है। अब देखिए जीतने के बाद क्या हुआ है, बीजेपी के जो कार्यकर्ता उनको मार दिया जा रहा है वहाँ पर। तो जो भी कार्यकर्ता जीता है, अभी जो पॉलिटिकल पार्टी जीते वो रिप्रेजेंट करता है अपने स्टेट को सेंटर में। तो मैं तो ये कहूँगा कि मोदी जी से ये बोलूँगा कि भाई राष्ट्रपति शासन लगाओ और फिर कंट्रोल करें, उसके बाद से जो भी होगा वो देखा जाएगा। सर आपको क्या लगता है? सर मैं इस पे कहना चाहूँगा कि मोदी ने जो भी कदम अभी, राष्ट्र ने बहुत करारा जवाब दिया है बंगाल को और ममता बनर्जी को कि ये हिंदुस्तान है और इसका बंटवारा नहीं हो सकता है। हम चाहेंगे कि इस पे राष्ट्रपति शासन लगे और वहाँ पे कंट्रोल हो और वहाँ की जनता निकल के सामने आए और इस चीज़ को दिखाए कि नहीं, ये हिंदुस्तान है, ये बंगाल नहीं बन सकता है। बंगाली, बिहारी, राजस्थानी, महाराष्ट्र, हम लोग बाद में पहले हिंदुस्तानी है और ये हमारे हिंदुस्तान ने जबरदस्त
जस्ट संदेश दे दिया इस मैंडेट के साथ। गृह मंत्रालय की जो है स्पेशल बैठक थी और केसरीनाथ त्रिपाठी वहाँ के जो गवर्नर हैं उन्होंने भी ये बयान दिया है, यहाँ पे उनको रिपोर्ट दिया है गृह मंत्रालय को, अगर ये हिंसा रुकती नहीं है और यही हालत रहे तो राष्ट्रपति शासन लग सकता है। ये इसमें लगना चाहिए और हिंदुस्तान की जनता देश के साथ है, मोदी के साथ है, हम इसको बंटवारा होते हुए नहीं देख सकते, हम एक और बंटवारा अभी देखने के सिचुएशन में नहीं है, तो हम इसके साथ हैं, हम बंगाल के साथ हैं। आपका क्या कहना है ममता बनर्जी का शासन में, क्या लगता है आपको राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए या? ऑब्वियसली मेरा तो ये मानना है कि ममता बनर्जी जो मतलब रूल कर रही है बंगाल में टोटली गलत है, क्योंकि हमारे जो एक बीजेपी के जो विधायक थे वहाँ पे उन्होंने दंगे में वो मारे गए। उसके अलावा मतलब जब वोटिंग चल रहे थे तो वोटिंग के दौरान जो भी मतलब कार्यकर्ता जो वोट करते बीजेपी को उनको फोर्सली फोर्स किया जा रहा था कि नहीं आपको जो है ना वोट देना वो ममता को देना है ना कि मोदी को देना है, तो वहाँ पे भी बहुत सारे न्यूज़ सामने आए थे कि नहीं वोटिंग देने में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। उसके अलावा भी ममता बनर्जी का देखा जाए तो उन्होंने राष्ट्रवाद वो जातिवाद करा है मोस्टली वहाँ पे उन्होंने करा है, क्योंकि मतलब मैं क्या बताऊँ स्पेशली जो शरणार्थियों को उन्होंने शरण दिया, ये बांग्लादेश के शरणार्थियों को उन्होंने शरण दिया, ये क्यों दिया? ये हमारा अभी हमारे हिंदुस्तान में हम हिंदुस्तानियों को कमी है अभी रहने की जगह, हम अभी शरण देने के कंडीशन में नहीं है, जब हम उस लायक हो जाएंगे तो हम करेंगे, उसके लिए भी वो चीज़ करेंगे, निकल के आएगा हमारी बात, इसलिए हमें पूरे हिंदुस्तान को इसके लिए एकजुट होना पड़ेगा। तो लगता नहीं आपको जैसे कंपेनिंग के दौरान भी हिंसा होती थी, अब सरकार बन गई है, हार स्वीकार करनी चाहिए, जो लोकतंत्र है लोकतंत्र तो इसमें हार स्वीकार करनी चाहिए, जिस तरह का मैंडेट आया उसमें हार स्वीकार बिल्कुल करनी चाहिए। इस बात को ममता दीदी को समझना पड़ेगा कि वो हिंदुस्तानी है। तो क्या लगता है आपको, आप कहाँ से? संभल। क्या नाम है? मोहम्मद तला कुरैशी। क्या लगता है आपको जब पश्चिम बंगाल में लगातार जो है जो हिंसा बढ़ रही है तो वहाँ पे क्या होना चाहिए राष्ट्रपति शासन लगे? कश्मीर में नहीं, पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल एंड इट शुड बी पीस सही है जी। पीस होता नहीं है, पूरा प्रक्रिया जो है देख लिया है, जो वहाँ के मुखिया हैं वो संभाल नहीं पा रही हैं, तो क्या लगता है आपको? गवर्नमेंट शुड बी रेस्पॉन्सिबल एंड इट शुड ट्राई टू स्टॉप दैट। There is some people who do that thing. All the people are blaming. कौन संभालेगा ये राज्य के मुख्यमंत्री तो ममता बनर्जी है, तो कौन संभालेगा? बहुत लंबा समय हो गया, लगातार हिंसा बढ़ रही है। She should take care of people's. आपको क्या लगता है? मोहम्मद सनोवर। क्या लगता है आपको? देखिए लगातार जो है हिंसा बढ़ती जा रही है, इससे पहले भी चुनाव हो गए हैं, अब हार स्वीकार करनी चाहिए और अब आगे विकास की बात करनी चाहिए, प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करने की बात होनी चाहिए, लगातार टकराव बढ़ता जा रहा है, क्या कहेंगे आप? राष्ट्रपति शासन चाहिए यही हालत है? नहीं सर, वहाँ के जो जैसे मसले चलते हैं ना वहाँ तो राष्ट्रपति शासन ही सही है, ठीक है ना, क्योंकि उसके अलावा और कोई मैटर हल होगा भी नहीं, तो राष्ट्रपति शासन ही ठीक है उधर। क्यों है इस तरह से आपके वहाँ के सर मसले ही ऐसे बने हुए हैं ना, तो सर इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं कहना चाहता। कैसे मसले माने की मसले क्या है? मतलब वहाँ लड़ाई झगड़े का क्या होता है सर, हमें हमेशा सुनने में आता रहता है कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है, कुछ ना कुछ मतलब कश्मीर हमारा इंडिया में ऐसा जगह है, कहते तो जन्नत है लेकिन सबसे ज़्यादा मतलब कश्मीर की बात नहीं, वही पश्चिम बंगाल की बात हो रही है, बंगाल की ममता बनर्जी की बात। नहीं सर, वहाँ के बारे में मुझे आई डोंट नो। ममता बनर्जी का जो राज्य नहीं, अधिकार हनन नहीं हो रहा है यहाँ पे, हमें ये चीज़ों को समझना होगा कि पिछले 3 महीने से या पिछले 6 महीने या 1 साल से जो लगातार हिंसा हो रही है उस हिंसा से बड़ा हमारा अधिकार हनन नहीं है। मानव अधिकार के लोग कहाँ होते हैं जब कश्मीर में हमारे देशवासियों पे पत्थर, हमारे जवानों पे पत्थर फेंका जाता है, हम क्यों मानव अधिकार को बीच में लेके आ जाते हैं? हम ये क्यों नहीं देख रहे हैं कितने लोग मारे हैं, कितने बच्चे अनाथ हुए, कितने औरतें विधवा हुई, वहाँ पे हमारा अधिकार कहाँ गया? वहाँ पे हम क्यों नहीं अधिकारों की बात करते हैं? हमें इन सब चीज़ों से आगे निकल के हिंदुस्तानी बनना होगा, हिंदुस्तान को आगे रखना होगा और वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाना होगा, तब जाके हम कुछ आगे कर सकते हैं वहाँ पे। तो क्या लगता है आपको राज्य के मुख्यमंत्री जो है
तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है या ऑब्वियसली वो कर रही है। कुछ दिन पहले जो सीबीआई ने छापासन मारा था वेस्ट बंगाल में, तो सीबीआई को उन्होंने सर डाल दिया, सर कहां डाल दिया, उन्होंने डाल दिया गया था, चिटफंड घोटाला है, बहुत बड़ा घोटाला है, उसमें आम आदमी का पैसा फंसा हुआ है। तो वही तो मैं बताना चाह रहा ना, जो सीबीआई जो हमारे देश की सबसे हाईएस्ट मतलब वो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट होती है, जब वो वहाँ छापा मारने के लिए गए तो ममता बनर्जी ने वहाँ पर पुलिस फोर्स के थ्रू उन्होंने अरेस्ट करवाया उन लोगों को, और उनको मारा भी गया। तुम्हें समझ में ये नहीं आ रही कि आप इंडिया में रह रहे हो और इंडिया के जो भी सर कानून है, जो भी मतलब लॉ रेगुलेशन है, उसे फॉलो नहीं कर रहे हो और उस पर से आप सर जातिवादी कर रहे हो, और उसके बाद जो मतलब नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है उनको सर बेइज्जत कर रहे हो। इट मीन्स क्या कि जो जिस बंदे को उन्होंने ईद के मौके पे कहा है, अभी उन्होंने ईद के मौके पे कहा है कि जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, वो किस किस मुद्दे पे ये बात बोल रही है, वो किससे टकराने की बात कर रही है? ऑलरेडी एक बार जनता ने, वहाँ की जनता ने उन्हें मुंह की खानी पड़ी है, जो बंगाल में 2 सीट से 19 सीट पे आई। मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन इस चीज़ को समझना चाहिए कि जितने लोग मारे गए हैं, हमें इन चीज़ों से ऊपर उठना होगा। सीबीआई जो देश की सर्वोच्च इन्वेस्टिगेशन ये अथॉरिटी है, उसको आप जेल में डलवा रहे हो, ये क्या मैसेज दे रहे हो आप देश को? ये तानाशाही है। आप मोदी को कह रहे हैं कि मोदी तानाशाही कर रहे हैं, नहीं, आप तानाशाही कर रही हैं। जो भ्रष्ट अधिकारी है उन पर जांच होनी दे दीजिए, उसको जांच होनी चाहिए, जांच में कोई भी हो, जांच होनी चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि वो वरिष्ठ अधिकारी है इसलिए, वो भी आम नागरिक है, वो हिंदुस्तानी है, जांच सबके लिए बराबर है, देश का संविधान सबके लिए बराबर है। हाँ, हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता, ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है, लेकिन अब ये चीज़ें बदल रही हैं और इसे बदलने देना चाहिए, लोगों को ये बदलाव स्वीकार करना पड़ेगा, तब देश का युवा, क्योंकि देश का युवा जाग रहा है, तो उसे हम आगे बढ़ाना होगा। हमें कंपेनिंग में जो कार्यकर्ता जो है अलग अलग स्लोगन बोलते हैं कि नहीं, ये गलत है, जय श्री राम का नारा, मैं जय श्री राम का नारा गलत नहीं है। जय श्री राम का नारा इसलिए गलत नहीं है क्योंकि ये हिंदुस्तान है और यहाँ कण कण में राम बसते हैं, इसलिए ये नारा गलत नहीं हो सकता है। तो कहते हैं कि जबरदस्ती थोपा जा रहा है, नहीं, जबरदस्ती नहीं थोपा जा रहा है, जबरदस्ती किसी एक आदमी पे थोपा जा सकता है, जबरदस्ती सारे इंसान पे नहीं थोपा जा सकता है। आप जय श्री राम बोलने के लिए किसी इंसान को आप जेल में डाल सकते हैं, अगर कोई या अल्लाह बोल रहा है तो उसको आप जेल में डाल सकते हैं, कोई अगर वाहेगुरु बोल रहा है तो उसको आप जेल में नहीं डाल सकते हैं। ये आप गलत कर रहे हैं, ये आप सीधा गलत संदेश दे रहे हैं पूरे देश को। ये ममता दीदी का जो है ये घमंड है, ये 15 सालों का घमंड है, इसे टूटना होगा, इसे ये टूटना चाहिए। ईद के मौके पर उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी में जाके बोला कि डरने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। डर किसका डर है? क्या संदेश दे? डर किसका? डर किसी का नहीं है, ये गलत संदेश फैलाया जा रहा है। ये कम्युनल हारमोनी को, ये सेकुलरिज्म को, इंडिया के सेकुलरिज्म को इन जैसे नेताओं से खतरा है, जो कि बंटवारे की राजनीति चाहते हैं। इनसे हमें ऊपर उठना होगा, और हमारा देश उठा है, ये हमें बोलने की जरूरत नहीं, इसे ये हमारा देश उठा है, जिस मैंडेट में क्लियरली ये साबित हुआ है कि देश उठा है। आपको लगता नहीं ये वोट बैंक की राजनीति है किसी विशेष कम्युनिटी को, ये बदलेगी कम्युनिटी को जो खुश करने के लिए अपने वोट बैंक बनाने के लिए? ये तो नहीं है कि नहीं, देखिए ये चुनाव से पहले भी ये प्रयास होते रहे हैं, लेकिन आज के डेट में सब ये चीज़ समझ चुका है कि नहीं, ये राजनीति नहीं चलेगी, ये राजनीति अब खत्म हो चुकी है, हमें विकास की राजनीति चाहिए। एज अ यूथ हमें विकास चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें हिंदू मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं है। कल राज्यपाल ने भी रिपोर्ट किया है कि अगर यही हालत रही तो राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। सर लगना चाहिए, ये पूरे हिंदुस्तान की आवाज़ है, ये लगना चाहिए।